इन विध ए मन हरिया इन विध एह मन हरे इन विध एह मन हरे हर हर नाम हर हर नाम जपे दिन राति हर हर नाम जपे दिन राति गुरमुख हमें कढ़े धो कढ़े तो है इन विध एह मन हरे इन विध एह मन हरे हर हर नाम हर हर नाम जपे दिन राति हर हर नाम जपे दिन राति गुरुमुख हमें कढ़े धोए गुरुमुख हमें कढ़े तोए इन विध एह मन हरे इन विध एह मन हरे बसंत चढ़िया फूली बनरा बसंत चढ़िया
ना सतगुरु पार। हर हर नाम, हर हर नाम जपे दिन राती। हर हर नाम जपे दिन राती, गुरमुख हमें कढ़े बसंत चढ़या इन विद ए मन हरिया हो। बसंत चढ़या फूली बन रहा, हर चित लाए
चढ़ चेत बसंत मेरे प्यारे, चढ़ चेत बसंत मेरे प्यारे, भलिए रुते भलिए रुते, चेत बसंत वाला दोनों सब्जेक्ट आज एकत्र करना चाहना, चेत दब में ही ना भी कल चढ़े है, बसंत भी कल शुरू होया है, क्योंकि बाणी मुताबिक बसंत दा आरंभ चेत चढ़न नाल हुंदा है। बाणी बार बार दोहरा रही है। ते एक ख्याल करियो जिहड़ी गल मैं बार बार कहना कि साडा नवा साल भी जिन्नू नानक शाही नवा साल आखदे ने, ओ नवा साल भी कल ही चढ़िया है, बसंत दे नाल चेत दे नाल गुरु नानक दा साल आरंभ हुंदा है, बाणी दा साल आरंभ हुंदा है। ते मैं इस विस्तार विच ना जावां, अगे भी अर्ज कीती है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब विच दो बारह मान है, दो बारह मान है, एक गुरु नानक पातशाह जी दा, एक गुरु अर्जन साहब दा, सौ साल दा वक्वा भी है। पर दोहां विच बसंत जेड़ा है वो चेत दे महीने तो शुरू कीता गया है, उत्थे भी चढ़ चेत बसंत मेरे प्यारे बलिए रुते, रुत नूं बड़ा चंगा आखिया गया, पसंद कीता गया। क्यों? क्योंकि ना गर्मी ना सर्दी, सहज सहज अवस्था नूं गुरु बसंत दी रुत आखदा है। मनुख दा जीवन हमेशा भी बसंत मान सकदा है, सत बसंत जिस प्रभ कृपाल, गुरबाणी आखदी ये तो महीने दो दा बसंत है ना, जिन्हों बसंत वाली सहज रुत दा जीवन आ जाए वो सत बसंत है, वह कदी मुरझांदा ही नहीं, उनके वास्ते तो एक सिक्ख्या आ जाती है, सुख दुख दोएदार कपड़े, सुख दुख दोनों सम कर जाने, सहज अवस्था। इसलिए वह हर समय बसंत वांगू खिड़िया रहिंदा है, मुरझाट नहीं हुंदी, इसलिए सहज अवस्था नूं बसंत आख्या गया। मैं विस्तार विच ना जावां, अज असी बसंत दा आरंभ भी मना रहे हैं, अज असी नवा साल भी मना रहे हैं, जिहड़ा बसंत दी अवस्था नाल जोड़ के गुरु नानक ने, गुरु अर्जन पातशाह जी ने गुरबाणी राही बख्शिश कीता है, जिन्नू आधार मन के ही नवे साल दा आरंभ चेत बसंत दे आरंभ नाल होया है। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਬਨਸਪਤੀ ਮੌਲਦੀ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਖਿੜਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਵਲ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁਲਵਾੜੀਆਂ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ,
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਸੰਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਬਸੰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਬਸੰਤ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਆਪ ਬਸੰਤ ਜਗਤ ਸਭ ਵਾੜੀ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਵ ਇੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੁੱਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੁਰਝਾਟ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਫਿਕਰ ਨੇ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਝਗੜੇ ਨੇ, ਇਖਤਲਾਫ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਸੰਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਸੰਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਪ ਬਸੰਤ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਬਸੰਤ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਖਿੜਾਓ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਬਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਖਿੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਚੜ੍ਹਿਆ ਫੁੱਲੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਫੁੱਲਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਜੀਵ ਜੰਤ ਕਿਵੇਂ ਹਰੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤ ਫੁੱਲ ਹੈ ਹਰ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬਸੰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਖ ਦਿੱਤੀ ਆਪ ਬਸੰਤ ਜਗਤ ਸਭ ਵਾੜੀ ਇਨ ਵਿਦ ਇਹ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਇਹ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤ ਫੁੱਲੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਇਨ ਬਿਧ ਇਹ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹਰਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਸੀ ਅਗਮ ਰੂਪ ਕਾ ਮਨ ਮੈਂ ਥਾਨਾ। ਉਸ ਅਗਮ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਮੈਂ ਮਨੂੰਗਾ, ਮਨ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹਾਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਪੂਜਨ ਚਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਏ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬਤਾਇਓ ਗੁਰ ਮਨ ਹੀ ਮਾਏ, ਰੱਬ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨ ਬਿਧ ਇਹ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਖੇੜ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਲਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਹੈ,
सद ही रहे हजूर, कदे किसे तो दूर भी कर छड़ के नहीं जाता। संसार तो रब वख नहीं हो सकता। सद ही रहे हजूर, तो फिर की कारण है कि सारे दे मन ही खिड़े रहते ने, हरे रहते ने। ये गल असी रोजाना जीवन विच देख सकने। आप बसंत है जे वो मन दे घर विच रहिंदा है, ते फिर बसंत रहने नाल का मन खिड़िया क्यों नहीं रहिंदा? सारियां दे मन क्यों नहीं खिड़दे? क्योंकि सवाल कुछ पहला सवाल रखांगे, तद गुरु को जवाब ले लवांगे। जे सारियां दे मन रब दा घर ने, ते रब बसंत है, ते मन विच रहिंदा है, ते फिर सारियां विच खेड़ा क्यों नहीं? ये भी गुरबाणी ने जवाब दे दिता। कहन लगे इस मन को, इस मन को बसंत की लगे ना सोए। हैं यो जे मन भी ने जिन्हां नूं बसंत दी सौ भी नहीं लगी, उन्हां सुनिया भी नहीं भी बसंत आ गए। वसना तां किते रह गए, घर विच वसदा होवे पता ही ना होवे। गुरबाणी है बड़ी डीप, सानूं कई गल्लां बड़ियां डूंघियां ले जा के समझांदी। कहंदे ने इस मन का बसंत की लगे ना सोए, सघन बास खुले हर पासे। जदों हर पासे हरियावल होवे तां कि सारे खिड़े रहिंदे ने, सारे पासे हरियावल हो जांदी है। कुछ लकड़ां ऐसा भी होंदियां ने जिन्हां जिहड़ियां हरियां नहीं होंदियां। एक रहे सूक कठूले, गुरबाणी दी तुक है। सघन बास कूले, हर पासे खुशबुआं खेड़े, पर कुछ सुके काठ भी रह गए। सघन बास कूले, एक रहे सूक कठूले, सुके काठ रह गए। क्यों? क्योंकि वो अपनी जड़ नालों मूल नालों टुट गए। हुण दरखत दे मूल नालों एक टाणी तोड़ के रख दियो, बाकी सारा दरखत दियां टाणियां मौजूद होण। जदों बसंत आएगी सारियां दियां परबलां फुटनगियां, हरियां होणगियां। जिहड़ी टाणी उस नालों टुट के थले डिगी हुई वो नहीं फुटेगी। ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਸਗਨ ਵਾਸ ਕੂਲੇ, ਇੱਕ ਰਹੇ ਸੂਕ ਕਠੂਲੇ। ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਈ ਸੀ, ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਗੇ ਜਾਂ ਆਪੇ ਲਾਏ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਮੂਲ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਮੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੜ। सारे संसार का मूल वो है मेरा निरंकार, जिन्हें पैदा जिंदे विच्चों पैदा होया संसार, निरंकार विच्चों संसार पैदा होया। इसलिए इसलिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंदर जिथे रब की परिभाषा है ना, उसनों असी मूल मंत्र आखने। वेद पुराण सिमरत बूझै मूल, सूखम मैं जाने सथूर। सूखम विच्चों स्थूल पैदा होंदा है, असी स्थूल हाँ ते मूल साडा सूक्ष्म है, परमात्मा है। जेड़ा मूल नालों टुट जाएगा टाण, वो सुक्का काठ रह जाए, बसंत आएगी चली जाएगी। गुरु ने आख्या सगन बास कूले, एक रहे सूक कठूले। क्यों?
क्योंकि उन्होंने तक एक नुकसान क्यों होया। सतगुरु ने बाणी अंदर हर गल बड़ी खोल के लिखी, कहन लगे इस मन को बसंत की लगे ना सोए, एह मन जलिया। घर विच बसंत होवे, अगम रूप का मन मैं था ना, ये भी साडा सब्जेक्ट चल रहा है, रब घर विच है ते फिर जल जाए, निराशता हो जाए, हरा ना होवे, सुख जाए, ये सानू बहुत कोई बाणी को पूछना पेगा, पर निरा पूछना नहीं, समझ के मनना भी पेगा। इस मन को बसंत की लगे ना सोए, मन जलिया दूजे दो। हम अगले पास एक लफ्ज कहने, एह मन तंदे बादा कर्म कमाए। लो एस एक लाइन विच सारा सूक्ष्म अडंबर है, क्यों मन जल गया है? क्यों बसंत रब रूपी बसंत मन विच रहंदे होया इस मन ते कोई असर नहीं? कहन लगे एक कर्म कमांदा, कर्मा ने इनू पछाण करवानी सी, रब दे नेड़े करना सी। आपां रोज पढ़ने कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, कर्म करके नेड़े होना सी। पर ये जेड़े भी कर्म कर रहे हैं वो सारे तंदे दे रूप विच कर रहे हैं, बिजनेस बना के कर रहे हैं, रब लई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रब दे घर विच व्यापार नहीं, वो सब चीज बिना मोल तो बिना हिसाब किताब तो देंदा है, उत्थे हिसाब नहीं। ये भी किसे दिन सब्जेक्ट रखांगे कि हिसाब साडे विच किवें आ गया, उहदे विच बिल्कुल नहीं, क्योंकि जदों मैं कोई शुरू करना फिर उहदे विचों नवें सब्जेक्ट मिल जाने। ते मनुख की है, इहने हर काम बिजनेस दे रूप विच कीता है, धर्म भी करता है तो बिजनेस दे रूप विच, नाल ही फल भी, जे पूर्णमासी का इशनान करांगा की फल मिलेगा, जे अमृत वेले उठ के इशनान करांगा की फल मिलेगा, की फल मिलेगा, जे नित्यनेम रोज करां की फल मिलेगा, जे किसी गरीब की मदद करां की, हर गल दे पिछे फल। पर गुरु ने एक आवाज दिती, कहन लगे काहू फल की इच्छा नहीं बचे। रब नाल मेल कि में होए, गुरु दे घर विच बिजनेस नहीं, भी इन दे बदले विच की बनी है, फैसले बनी ते नहीं। कहंदे ने गुरबाणी तो यह आखदी है तू बिजनेसमैन ना बन, पर तू तो धर्म के कर्म भी सारे बिजनेस दे, जे अखंड पाठ करावा तो की फल मिलेगा, जे सहज पाठ करावा तो उनके नालों घट फल है, मन अंदर अखंड पाठ का ज्यादा फल है, क्योंकि असी फल के नजरिए नाल परख रहे हैं। असी धर्म के कर्म भी जिन्ने करने ने उन्होंने ये सोच के करना है इनके बदले में मैनू की मिलता है, तो फिर तो धंधा हो गया, धर्म तो ना रहा। जिन्ने कर्म तू कर रहा है वह धंधे कर रहा है, मन जिन्ने कर्म कर रहा है धंधे फैसले कर, गुरबाणी है, सतगुरु कहते ने ए मन धंधे बादा कर्म कमाए, ए मन धंधे बादा कर्म कमाए।
कहते उसका नतीजा की है कि नानक हुक्म ना मननी तो घर ही अंदर दूर ये नहीं कि मनुख किसी दोस्त दस भी पंजा को ते चला जाए ता ही दूर होंदा है। कई बार आपस विच संबंध टुट जान ते फिर इत्थों तक गुरु ने बाणी विच आख दिता कि एका संगत इकत ग्रह बसते मिल बात ना करते भाई। दो भरा होन कठे रहंदे होन इको घर विच रहंदे होन पर आपस विच बोल चाल टुट जाए संबंध टुट जान की आखोगे इको घर विच रहंदे ने। नानक हुक्म ना मन्नई तां घर ही अंदर दूर। गुरबाणी दा फैसला कहिंदे गल रब नाल भी टुकदी तेरा बसंत घर विच हुंदिया होया तेरे कोल खेड़ा क्यों नहीं तू घर ही अंदर दूर हो गया क्यों क्यों गया क्योंकि तू हुक्म नहीं मन रहा तू मालिक दी मर्जी समझन दी को आ सतसंगत क्यों सी सतसंगत विच आना क्यों सी इत्थे आके असी गुण रब दे सुभाअ नूं समझना सी सिखना सी गुरुद्वारे मंदर पाठशाला धर्मशाला ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਬਣਾਤੀਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪੜਾ ਲਈਆਂ ਬਹੁਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈਸਾ ਰੁਪਇਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਬਣੇ ਸਨ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਮਸਲਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਕੈਡਮੀ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਲਵਾਇਆ ਸਾਰਾ ਸਤਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਚਟਸਾਲ ਹੈ। ਚਟਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਚਾਟੜੇ ਪਣ ਕੋਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਟੜੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਆਉਣ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨੇ ਸਬਕ ਲੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਬਕ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਈ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੂਰ। ਜਿਨ ਗੁਣ ਤਿੰਨ ਸਦ ਮਨ ਵਸੈ ਔਗੁਣ ਬੰਤਿਆਂ ਦੂਰ। ਫੈਸਲਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣ ਆਉਣਾ। ਗੁਣ ਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਗੁਣ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਗੁਣ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਰਹੇ ਸੁਖ ਕਠੋਲੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਗੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ।
गुरु ने क्यों आख्या तू तू करता तू हुआ हुण वखरा नहीं रहा जिहड़े गुण तेरे विच सन तेरे गुण गाउंदियां गाउंदियां मैं तेरे विच समा गया गुण कहे गुणी समावणिया गुण कहिंदा कहिंदा गुण सुनदा सुनदा मैं गुणी दा रूप हो गया एवरी बेक वायरस कीती सी बाबा कबीर जी ने यह गल क्यों कह दिता संतन संत कबीरा बिगड़े सो कबीर रामे हो नबरिया मैं अर्ज की सी कबीर का कोई हाइट नहीं बदल गई उनका रंग नहीं बदल गया उनकी चार बाहां नहीं लग गई उनका रूप वो ही शरीर वो ही रहा सिर्फ गुण बदल गया सुभा बदल गया तो सुभा आ गया रब वाला जदों रब वाला सुभा आ जाए रब वाले गुण आ जान तां फिर वो मन रूपी घर विच इकट्ठे रहिंदिआं मन हरा हो जाता है ते जे रब वाला सुभा ना आवे उंदी आदत ना आवे उंदे गुण अंदर ना आउन ख्याल करिओ मैनू याद आई अपनी भी हडवीती कई बार याद आ जाती 50-52 साल पुरानी गल है दूजी बार जदों मैं इंग्लैंड आया तो मैनू अपेंडिक्स की अचानक तकलीफ हो गई तो लैंड वाले एमरजेंसी वाले 101 वाले आए वो मैनू कहन भी तुसी मैनू तुसी अपना कार्ड दो मैं कहूँ भी मैं तो विजिटर आया कि विजिटर नहीं तुहाडे कोल कोई हैल्प नहीं बेचारे कहन लगे भी चलो असी लै जाने अगे डॉक्टर जाने मैनू लै के हॉस्पिटल चले गए शाम तक किसी डॉक्टर ने हाथ भी ना पाया भी अजे तक कहिंदे कोई रजिस्टर नहीं कोई नाम नहीं कहिंदे कोल कार्ड कोई नहीं मैडिकल शाम ने जदों उन्हां दा मेन डॉक्टर आया तो उन्हां नूं नाराज़ भी होया भी जिंदी जान जा सकदी सी तुसी शाम तक क्यों उड़ीकिया खैर उन्होंने मैं रात को ऑपरेशन कर दिता मेरे को क्योंकि कोई उतों का रहन सहन का कोई सबूत नहीं सी उन्होंने मेरा पासपोर्ट मेरे सराहने रखा हुआ सी निशानी पर मैं तुम हड़ू उस पासपोर्ट ते मेरे सेवा वास्ते मेरी हेल्प वास्ते उन्होंने एक इंडियन नर्स नू लाया हुआ सी भी ये इंडियन है इंडिया तो आया हुआ विजिटर है इंदा कोई अपना नहीं चलो ये इंदी बोली समझदी होएगी उस बच्ची ने रोज़ वेखना आके मैनू संभालना भी ते नाल देखना भी पासपोर्ट संभराने पिया पता नहीं होर की एक दिन उंदा मन कीता उन्हें मैनू पुछया कहिंदी सरदार जी तुसी कित्थे रहिंदे हो मिस्टर सिंह तुसी कित्थे रहिंदे हो मैं आख्या तू गुरद्वारे कदी नहीं गई मेरा मतलब सी मैं गुरुद्वारे रहना मेरे नेड़े ग्रेव्स एंड गुरुद्वारा सी उत्थे उतरिया होया सी कहिंदी तुसी कित्थे रहिंदे मैं आख्या बच्चे तू कदी गुरुद्वारे नहीं गई कहिंदी बिल्कुल नहीं गई मैं गुरुद्वारे क्योंकि सानू ये पढ़ाया जाता है भी तुहानू किसे गुरुद्वारे किसे थां ते जाण दी धर्म करम दी लोड़ नहीं तुहाडा गुरुद्वारा हॉस्पिटल है जदों असीं नर्स बनदी हाँ सानू ये पढ़ाया जाता है कि तुहाडा गुरद्वारा हॉस्पिटल है ते तुहाडा धर्म करम सिर्फ पेशेंट दी सेवा करना है बस असी होर किसे भी गुरुद्वारे को मैं उन्होंने आख्या बच्चे गल बिल्कुल तेरी ठीक है पर मैं तेन एक गल इस ऐड करना चाहना ये जो कुछ तू पढ़िया है सर मैं उत्थे ही रहना जिथे पढ़ाया जाता है जो तू पढ़िया ना जिन्हों कमा रही है मैं उत्थे रहना जिथे पढ़ाया जाता है मेरा भाव सी गुरुद्वारे ये पढ़ाने लई सन गुण जड़े पर आज कुछ बदल गया है ना कोई पढ़न आ रहा है ना उत्थे पढ़ाया जा रहा है पर गुरु ने एक गल आखी है जिन गुण तीन साध मन वसै रब
मन विच रहिंदा है, इस विच कोई शक नहीं। अगम रूप का मन मैं थाना, आपां पिछली उस लड़ी नूं जुड़िया है। रब मन विच रहिंदा है, हर एक दे मन विच रहिंदा है, पर कई लोग सिर्फ उन्हूं ना पछाणन करके घर विच हुंदिया होया भी दूर ने। उन्हां नूं बसंत दी सोर नहीं लग रही। वो बसंत है, वह खेड़ा है, पर वो फिर भी मुरझाए हुए ने, दुखां विच ने, क्योंकि उन्हां नूं घर विच हुंदिया होया बसंत दी पछाण नहीं, बसंत नाल कोई संबंध नहीं। एक संगत इकत ग्रह बसते मिल पा बात नंग करते भाई। पर दूजे पासे ये भी आख दिता, कह लगे जिन्हां नूं पछाण हो गई वो तू तू करता तू हुआ, तेरा रूप हो गया। हुण उस घर विच मालक बन के बैठे ने, तेरा रूप बन के बैठे ने। ना उन्हां नूं घर वक्खरे दी लोड़ है, ना उन्हां नूं किसी देश वक्खरे दा मनंदर पाओ। उन्हां दा तेरा देश ही उन्हां दा देश है, तेरा घर ही उन्हां दा घर है। तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूर, आपा पर का मिट गया जत देखा तत। तू इं ओ मन जिहड़ा टुट के सुक गया सी, सूख कठूले हो गया सी, वो सगन बासकूले हरा हो गया। गुरु ने यो गल अज दे शब्द विच आखी, कह लगे वो बसंत है, उन्हूं हिरदे विच लिया, उन्दी पछाण कर, बस तेरा मन भी हरिया हो जाएगा, फिर सुकवा नहीं आएगा। सतगुरु कहिंदे ने इन बिद एह मन हरिया हो, एह मन हरिया हो, हर हर नाम जपै दिन राती, हर हर नाम जपै दिन राती, गुरमुख हो में गुरमुख हो में कढ़े धो, इन बिद के मन हरिया हो, इन बिद के मन रब दूर ने है हजूर कत दूर बतावो, क्यों उन्हूं दूर आखना है। उन्दी पछाण कर, वो बसंत है, तेरे मन विच रहिंदा है, किते दूर नहीं। मन क्यों नहीं खिड़दा, क्योंकि बसंत दी तैनूं सोह नहीं लगी, पछाणदा नहीं। उन्दा सुभा उन्दा रूप है, जिस दिन तू उन्दे गुण अपने अंदर चेते विच लै आएगा, फिर तैनू अपने मालिक दे अंदर ही दीदार होणगे, किते होर मत्था टेकण जाण दी लोड़ नहीं पैगी। विश्वास कर, ये गुण ही उन्दा स्वरूप ने। इन्हां शब्दां नाल खिमांदा जाचेगा, फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।